ये लिविटर की चेन है और वो ये लिविटर की चेन है और वो टोकरी उसमें लगाते हैं, इसमें ये वाली टोकरी लगाते हैं, ये बॉक्स है ना वो, और ये चक्कर इसे इस तरह से ज्वाइंट होल्ड करते हैं और उसमें लॉक लगा देते हैं, बाद में पिन आती है ये वाली। इसके अंदर ये डालते हैं एलिवेटर के अंदर ये चेन, पकड़ से उसका मुंह खोलते हैं और बंद पकड़ से ही करते हैं ताकि ये अंदर उसके वॉल के अंदर चली जाए ये पिन। हमें लॉक करना बहुत जरूरी होता है, दो लॉक आते हैं, जिसका वो चेन का एंड होता है वहीं पर ये लॉक आता है। आपको कम करनी हो ज़्यादा करनी हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाद में उसके मुंह को थोड़ा खोल देते हैं, पहले उसका मुंह को पैक करके अंदर डाल देते हैं होल के अंदर और बाद में उसका मुंह थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि बाहर ना निकल जाए। इस तरह से पिन पकड़ डाल के उसका मुंह खोल देते हैं, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं उसका मुंह। चेन को अब उसके अंदर डाल देंगे, ये साफ्ट पिन में भी कोटेशन लगा के आ गए, अब उससे ग्राइंडिंग करेंगे ताकि उसके ऊपर होम हो तो वो निकल जाए। देखो ये अभी चेन ये पाइप के जरिए अंदर डालते हैं, ये वाले भाग में ये ऊपर ये लगेगा, इसका कैप है, ये हम इसे कैप बोलते हैं, उसका टोपी। ये बेरिंग कुछ इस टाइप के आते हैं, अलग है, ये चेन को टाइट करने के लिए ये बोल है, ताकि इसके टाइट करना हो तो आप कर सकते हैं। लंबे समय के बाद ये ढीली पड़ता है, ढीली पड़ जाए तो इसे टाइट करना पड़ता है, दोनों साइड से बेरिंग आते हैं। ये साफ चिन्ह उसमें लगती है, इसके अंदर भी है, किसी करती है, देखिए अब ये चक्कर फिट हो गया है, सेंटर में रखते हैं, उसके ऊपर चेन लगाते हैं चक्कर के। देखिए अभी चेन थोड़ा निकाल रहे हैं, ये लंबी हुई इसलिए थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। पिन है इसमें से निकाल दिया, देखिए टुकड़ा निकाल दिया, बचा हुआ टुकड़ा है ये। सामने भी साफ्ट लगा दी है,
चक्कर साफ हैं दोनों। देखिए इसके अंदर ये चेन फिट हो गई है, देखिए आप देख सकते हैं उस तरफ भी हो गई, इस तरफ भी, दोनों तरफ से इस तरह ये घूमता है। अब इसमें लॉक लगाएंगे। दो लॉक लगेंगे, पहले इस पिन को खींचेंगे। जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था उस तरफ वो पिन डालेंगे उसमें लॉक वाले।